एक मैं हूँ मेहंदी रस्मों वाली, एक ईमान है मेहंदी प्यार वाली, दोनों तुझ पे कुर्बान है मेहंदी शगनों वाली, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। जी टीवी के सीरियल पिया अलबेला में आज हो रही है पूजा और नरेन की मेहंदी की रस्म, जहां नरेन बड़े ही प्यार से पूजा को अपने हाथों से उसके हाथों में मेहंदी लगा रहा है। ना वो आँखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। वाओ, बड़ी ही रोमांटिक मेहंदी है। वैसे इनको ये मौका दिया है सुरभि ने। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। जी हाँ, नरेन की माँ सुप्रिया तो अपनी बहुरानी की आरती उतार रही थी, मेहंदी की रस्म की शुरुआत कर रही थी, लेकिन सुरभि ने मेहंदी गिराकर शगुन को अपशगुन में बदल दिया। जिसके बीच में एज यूजुअल सुरभि अपना दिमाग यूज करके कुछ ना कुछ क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मेहंदी का जो बर्तन था उसे गिरा देती है, जो सबको लगता है कि एक अपशगुन है, तो इसलिए छोटा सा थोड़ा सा क्योस हो जाता है। भाई सुप्रिया जी तो डर गई थी, लेकिन नरेन ने आकर सब संभाल लिया और पूजा को मेहंदी लगाकर अपशगुन को शगुन में बदल दिया। टिपिकल मेहंदी जो कल शायद अच्छे रंगों के साथ बाहर निकलेगी। और इस वजह से पिछली बार सुप्रिया मैम को भी याद आ जाता है ना, माँ को भी याद आ जाता है कि पिछली बार भी अपशगुन हुआ था, तो शी इज गेटिंग फ्लैशेस। चलो अच्छा है, सुप्रिया जी की खोई हुई याददाश्त वापस आ रही है, लेकिन बुरी खबर ये कि बहुत जल्द पूजा के साथ होगा हादसा, जहाँ मंदिर में उनके सिर पर गिर जाएगी घंटी और बिगड़ जाएगा उनका मानसिक संतुलन, और ऐसे में नरेन बाबू बनेंगे उनका सहारा। वैसे खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द शो पिया अलबेला में होने वाली है गुलकी जोशी की एंट्री, जो बन कराएंगी पूजा की हाफ सिस्टर। मुंबई से महेश यादव के साथ आज तक ब्यूरो।